नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट 100 से। जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक का आगाज हुआ आज। 205 देशों की 11,000 एथलीट दिखाएंगे दम। हरियाणा के 30 खिलाड़ियों समेत भारत के 127 एथलीट लेंगे हिस्सा। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। अखनूर में पुलिस ने ड्रोन से मार गिराया। बताया जा रहा था कि ड्रोन से पुलिस ने आईडी भी बरामद की। पेगासस के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पेगासस के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के साथ केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस एक हथियार है और इजरायली सरकार भी इसे हथियार ही मानती है। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने इसे हथियार को हिंदुस्तान की संस्थाओं और लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया है। साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा फोन टैप किया गया है, यह सिर्फ मेरी निष्ठा का मामला नहीं है, जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच को रोकने के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया गया। गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी पर न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसका ऑथराइजेशन पीएम और गृहमंत्री ही कर सकते हैं। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 35,342 नए मामले मिले हैं। इस दौरान कुल 483 मरीजों की मौत हुई है। अच्छी खबर यह है कि एक दिन में 38,740 मरीज कोविड-19 को मात देकर ठीक हुए हैं। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में संक्रमितों की कुल संख्या 3,12,93,062 हो गई है। वहीं अब तक 4,19,470 मरीज जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। बीते दिनों के मुकाबले प्रदेश में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 765 एक्टिव मरीज हैं, जबकि कोरोना से अब तक 9,613 लोगों की मौत हो चुकी है और प्रदेश का रिकवरी रेट 98% है। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में 500 एमएलटी क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। प्लांट के शुरू होने के बाद 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन किया जा सकेगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करने की भी कोशिश की जा रही है। पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनीता सोखी ने बताया कि फतेहाबाद के अलावा टोहाना, भट्टू और घूना में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का काम चल रहा है। इनमें भी सिविल वर्क पूरा कर लिया गया है और अब जल्द ही यहां प्लांट स्थापित कर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने के बाद शैक्षणिक गतिविधियां पटरी पर लौटने लगी हैं। 9वीं से 12वीं के बाद अब 6ठी से 8वीं की क्लासें भी शुरू कर दी गई। लंबे समय से बंद पड़ी क्लासों को पहले सफाई कर सैनिटाइज किया गया। छात्रों को स्कूल में आने के लिए अपने माता पिता की लिखित अनुमति दिखानी होगी। स्कूलों में हर रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 3 घंटे की क्लासें लगेगी। इस दौरान छात्रों को लंच ब्रेक नहीं मिलेगा।
स्कूल खोले जाने के बाद से छात्रों में उत्साह है। छात्रों का कहना है कि कोरोना के कारण उनकी पढ़ाई अब तक प्रभावित रही थी। सिरसा के खैरपुर स्थित सरकारी स्कूल सहित क्षेत्र के सभी निजी स्कूलों में भी शुक्रवार से छठी से आठवीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई। साथ ही स्कूल में आने वाले बच्चों को कोविड 19 के नियमों की पालना के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। स्कूल पहुंच रहे बच्चे काफी खुश नजर आए और टीचर्स ने भी स्कूल खुलने पर खुशी जाहिर की। प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद अब कॉलेज में भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाएं शुरू कर दी गई है। इसके लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि 90% स्टूडेंट्स परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 10% स्टूडेंट्स जो प्रदेश के बाहर गए हुए हैं उनको ऑनलाइन परीक्षा देने की छूट दी गई है। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि परीक्षाओं के बाद यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के आते ही एडमिशन के शेड्यूल भी जारी कर दिए जाएंगे। ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी पेट्रोल डीजल की कीमतों में शुक्रवार को किसी प्रकार का फेरबदल नहीं देखा गया। यह लगातार छठा दिन है जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई। पिछले छह दिनों से पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर हैं, इसके बावजूद कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांग को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने अपनी संसद शुरू की है। साथ ही यह भी ऐलान किया है कि जब तक संसद का मॉनसून सत्र चलेगा तब तक किसानों की यह संसद जारी रहेगी। किसान इस संसद के जरिए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष पर सदन में किसानों का मुद्दा उठाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यही वजह है कि संसद में किसानों का मुद्दा विपक्ष के लिए बड़ा हथियार साबित हो रहा है, जिसके जरिए वो सरकार पर लगातार वार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर किसानों की संसद का आज दूसरा दिन है। अब यह देखना होगा कि क्या किसान संसद के जरिए बीते आठ महीनों से जारी घमासान का समाधान हो पाएगा या नहीं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टीकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर और जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा संघर्ष पिछले आठ महीनों से चल रहा है, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन किसान जंतर मंतर पहुंचे। इस दौरान किसान नेताओं ने सरकार पर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पहले दिन सरकार ने उनका जानबूझकर समय खराब किया है। सरकार उन्हें घुमाती रही, वो जंतर मंतर से संसद की तरफ जाना चाहते थे लेकिन सरकार ने उन्हें रोक दिया और व्यवस्थाओं की भी कमी थी। किसान नेताओं ने कहा कि पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसानों ने अपनी संसद लगाई है और जिसका असर पार्लियामेंट में भी देखने को मिला। ऑल इंडिया महिला लोकतांत्रिक संगठन की अध्यक्षता और कानपुर से पूर्व सांसद एवं लेखिका सुभाषिनी अली सहगल किसान आंदोलन के समर्थन और महिलाओं की भागीदारी को लेकर हिसार पहुंची। सुभाषिनी अली सहगल ने हिसार दिल्ली हाईवे स्थित बाडो पट्टी टोल प्लाजा पर महिला महापंचायत का भी आयोजन किया। हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, हरियाणा की सरकार लोगों का उत्पीड़न कर रही है और हालत अंग्रेजी शासनकाल जैसे बने हुए हैं।
सिरसा में किसानों की रिहाई के बाद अनशन पर बैठे बलदेव सिंह ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है। किसानों की रिहाई की जानकारी मिलने के बाद पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह दलेवाल बरनाला रोड स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे बलदेव सिंह को नारियल पानी पिलाकर अनशन तुड़वाया। गौरतलब है कि 11 जुलाई को बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बीजेपी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम से लौटते वक्त डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगावा की गाड़ी पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 100 किसानों के खिलाफ देशद्रोह सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले में कार्रवाई करते हुए 15 जुलाई को पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार किया, जिनकी रिहाई के लिए किसानों ने लघु सचिवालय में 4 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। सिरसा में गिरफ्तार हुए किसानों की रिहाई को लेकर अनशन पर बैठे किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने किसानों की रिहाई के बाद अपना अनशन खत्म किया, लेकिन अनशन खत्म होने से पहले बलदेव की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें शहर के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। बलदेव सिरसा फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं और डॉक्टर उनके उपचार में जुटे हुए हैं। इधर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल का होडल के बंचारी गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि बंचारी गांव के नगाड़ों की कला दुनिया में प्रसिद्ध है। वहीं बढ़ती हुई महंगाई पर जवाब देते हुए विपुल गोयल ने कहा कि महामारी में पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दाम के कारण खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन सरकार जल्द ही बढ़ती महंगाई पर रोक लगाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी लोग तरह तरह के भ्रामक प्रचार कर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सभी वर्गों के साथ लेकर चलने वाली जनहितैषी पार्टी है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बार फिर किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि चाहे वो इनालो हो या कांग्रेस, सभी अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसान आंदोलन में जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की भूमिका लोकतंत्र बचाने की होती है, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर कृषि कानूनों में कोई खामी है तो बताएं, सरकार से सवाल करें और जवाब भी सुने। वहीं हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अभी केवल समाचार पत्रों में चर्चा है, बाकी मुख्यमंत्री के पास विशेष अधिकार है, वो जब चाहें कर सकते हैं। पलवल के लघु सचिवालय में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक को लोगों की शिकायतें निपटाने के लिए आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की, लेकिन इसमें बीजेपी के विधायकों और पदाधिकारियों की शिकायतें भी निपटाई गई। बीजेपी के विधायक और पदाधिकारी खुद ही सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने की शिकायतें करते रहे हैं और मंत्री जी सिर्फ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर चले गए। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पंचकुला खनन अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। राज्य मंत्री ने यह फैसला जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान लिया। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल और जिला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 13 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए मंत्री संदीप सिंह उनका मौके पर ही निपटारा किया। इस मौके पर संदीप सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी सालों तक इस पल का इंतजार करता है जब वो अपने देश का तिरंगा पहनकर अपने ओलंपिक में खेल का प्रदर्शन करे। गंदे अनाज सप्लाई को लेकर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। अनाज डिपो पहुंचकर डीएफएससी अधिकारी ने किया निरीक्षण, संबंधित कर्मचारियों और एजेंसियों के खिलाफ जांच के दिए आदेश। पंचकुला औद्योगिक प्लांट आवंटन मामले में पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष ईडी कोर्ट में
शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इस बार भी आरोपी सिद्धार्थ भारद्वाज और डागर कत्याल पेश नहीं हुए। पिछले सुनवाई के दौरान स्पेशल ईडी कोर्ट द्वारा आरोपी डागर कत्याल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे, जबकि मामले में एक और आरोपी सिद्धार्थ भारद्वाज के खिलाफ अरेस्ट वारंट पर रोक लगाई गई थी। मामले के मुख्य आरोपी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पवन कांसल को पेशी से छूट को ईडी कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही स्वीकृति दे दी थी। वहीं मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई तय की गई है। कैथल के डेरा गदला गांव की पंचायत के खाते से दो दिन पहले 14,32,000 रुपए की आरटीजीएस गणेश ट्रेडिंग कंपनी को करा दी गई। निवर्तमान सरपंच के मोबाइल पर पेमेंट निकाले जाने का मैसेज आया तो इसका खुलासा हुआ। गांव के निवर्तमान सरपंच, सरपंच प्रतिनिधि और पंचों का आरोप है कि राशि बीडीपीओ और ग्राम सचिव ने मिलीभगत कर निकाली है। गांव में इस राशि से किसी विकास कार्य के लिए कोई निर्माण सामग्री नहीं पहुंची, फिर इतनी भारी भरकम राशि की गणेश ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट किस काम के लिए की गई? पंचायत खाते से राशि निकाले जाने पर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीण इस मामले को लेकर गांव में एकत्रित हुए और कैथल उपायुक्त प्रदीप से मिले और उन्हें ज्ञापन दिया और इस मामले में जांच करने की अपील की। रेवाड़ी में बावल उपमंडल के प्रागपुरा गांव में ग्रामीणों के विरोध के चलते बीडीपीओ को अपनी टीम के साथ वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि बावल खंड के बीडीपीओ भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर आए। यहां विभाग को एक गली का निर्माण करना था, लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन के अधिकारियों को काम नहीं करने दिया। ग्रामीण ने गली के निर्माण से पहले इसके माप लेने की मांग की, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को कार्रवाई करने की धमकी दी, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों को मौके से खाली हाथ लौटना पड़ा। बीते कई दिनों से हो रही बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। तापमान में गिरावट आने से उमस से भी राहत मिली है। बारिश से शहर में कस्बों तक बाजार और बस्तियों में जल भराव हो गया। बारिश के चलते लोगों के घरों की दीवारें गिर गई, जिसका जायजा लेने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी पहुंचे और उन्होंने विशेष गिरदावरी के आदेश भी जारी किए। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, जिसके बाद सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिले में अब तक मॉनसून सामान्य रहा। इसके साथ ही कई ऐसे जिले भी हैं जहां बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में 26 जुलाई के बाद मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होगा। जाखल नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले एरिया से दूषित पानी की निकासी के लिए जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से करोड़ों रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाने का कार्य पिछले करीब 7 महीनों से जारी है। नई बस्ती में डाली गई सीवरेज पाइपलाइन मॉनसून की दूसरी बारिश से ही टूट गई, जिसके बाद गुस्साए वार्ड वासियों ने संबंधित विभाग के प्रति नारेबाजी करते हुए इस कार्य की उच्च स्तर पर जांच करने की मांग की है। वहीं पार्षद विकास कामरा ने इस कार्य में इस्तेमाल की गई घटिया सामग्री को लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप भी लगाया है। करनाल में भारी बारिश और जल भराव के चलते किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले करनाल के जिला सचिवालय में किसानों ने पहुंचकर सरकार के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मुआवजे की मांग की। किसानों का कहना है कि अभी भी खेतों में जल भराव की स्थिति है, ऐसे में प्रशासन को जल्द से जल्द खेतों में जमा पानी बाहर निकलवाना चाहिए। इसके साथ ही किसानों ने 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग भी की है। फतेहाबाद में सुबह से तेज बारिश होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां धान की फसल के लिए बारिश वरदान है, वहीं बारिश के पानी की वजह से सड़कें तालाब में बदल गई। लोगों ने बताया कि मॉनसून को लेकर प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है, जिससे बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिससे लोगों को कई दिक्कतें हुई, जिससे शहर में बाढ़ जैसे हालात भी हो गए।
जाखल में मॉनसून की दूसरी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। यहां सिर्फ दो घंटे की बारिश के बाद हुए जलभराव ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। अनाज मंडी, सब्जी मंडी, एसपीआई रोड, मॉडल टाउन और निचले इलाके में जलभराव की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में भी भर गया। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बीआर कंबोज ने कहा कि कपास की फसल में बेहतर उत्पादन के लिए कीट और रोगों का एकीकृत प्रबंधन जरूरी है। इसके लिए किसानों को समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों की ओर से फसलों से संबंधित हिदायतों और सलाह का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान कपास फसल के मुख्य कीट या रोगों की पहचान करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश किए गए कीटनाशकों का ही प्रयोग करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये छिड़काव नुकसानदेह हो सकता है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल के सुझाव पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति खुद कृषि वैज्ञानिकों की टीम के साथ फील्ड में उतरे ताकि कपास के किसानों को पहले की तरह समस्याओं का सामना न करना पड़े। पंचकुला में कॉलोनियों को नशा मुक्त कराने के लिए सेक्टर 16 पुलिस चौकी पर लोगों ने नारेबाजी करते हुए घेराव किया। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ साथ कांग्रेस पार्षद भी शामिल हुए। लोगों का कहना है कि राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और बुड़नपुर में लगातार नशाखोरी बढ़ रही है, जिससे इलाके में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ने लगी। मामले को लेकर स्थानीय लोग विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, पंचकुला पुलिस कमिश्नर और पुलिस उपायुक्त समेत सभी बड़े अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इसके कॉलोनियों में नशे का कारोबार और नशाखोरी बदस्तूर जारी है। कोरोना के बीच लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग का लेकर ट्रेंड बढ़ा है। ऐसे में आए दिन ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े फ्रॉड सामने आते हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद के सेक्टर 14 निवासी एक महिला को भी कंपनी के एक फ्रॉड का सामना करना पड़ा। दरअसल कंपनी ने एक जानी मानी ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी से हर्बल शैंपू और तेल ऑर्डर किए थे, लेकिन जब महिला ने वह शैंपू इस्तेमाल किया तो चंद ही मिनटों में उनके बाल इतने उलझ गए कि उन्हें सुलझा पाना नामुमकिन था। बालों की हालत देख जहां महिला काफी तनाव में है, वही विशेषज्ञों ने कहा कि अब वह मात्र बालों का काटना ही उनके पास विकल्प है। वहीं जब इस मामले में महिला ने कंपनी को संपर्क करना चाहा तो कंपनी द्वारा कोई संतुष्टि जवाब नहीं दिया गया। करनाल के कुछपुरा गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जमीन फटती हुई नजर आ रही है, जिससे लोगों में कई तरह की अफवाहें फैल गई कि भगवान का करिश्मा है। लेकिन जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो जमीन की जांच पड़ताल की गई, तब पता चला कि यह कुदरत का करिश्मा नहीं, यह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा है। वहीं जमीन के मालिक ने बताया कि उसके खेत में फसल ना होने की वजह से उसने मिट्टी को खुदवाया और उस मिट्टी को बेच दिया। वहीं जमीन में दूसरी मिट्टी और राख डाली जब मिलन होने से पहले ही बारिश हो गई। बारिश होने की वजह से जमीन फटकर ऊपर उठने लगी, जिससे लोगों में बातें फैल गई। वहीं किसान के ऊपर पहले से माइनिंग का मामला दर्ज है, जिससे किसान सरकार से जमीन पर मुआवजे की मांग कर रहा है। यमुनानगर की पुलिस लाइन में एक पुलिसकर्मी ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि 26 साल का राजेश कल ही अंबाला से एचएपी की फोर्स में आया था। पुलिसकर्मी के सुसाइड की सूचना पर एसपी, डीएसपी और थाना शहर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि मानसिक तनाव के चलते पुलिसकर्मी ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज़।